हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नोटिफिकेशन आया हुआ था कुछ टाइम पहले दोस्तों। उस टाइम उन्होंने एग्जेम्प्टेड और नॉन एग्जेम्प्टेड कैटेगरी दोनों के लिए आवेदन मांगे थे, पर इन्होंने अभी जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी है उनके लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। तो इन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी किया है और इन्होंने बताया है कि आवेदन की तिथि 30 अप्रैल तक कर दी गई है और इंटरव्यू 10 मई से 15 मई के बीच में हो जाएगा। जिन लोगों ने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो हम इस वीडियो के अंदर थोड़ी सी इम्पोर्टेंट जानकारी और दे देते हैं एग्जेम्प्टेड कैटेगरी वालों के लिए जिनके लिए ये आवेदन है। ये देखिए दोस्तों, ये पुराना नोटिफिकेशन है जिसमें कि डिटेल दी हुई है एग्जेम्प्टेड और नॉन एग्जेम्प्टेड वालों के लिए, पर हम इसमें सिर्फ एग्जेम्प्टेड कैटेगरी वालों के लिए ही देखेंगे जो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सबसे पहले इन्होंने ये VRET का बताया है, इनके अंदर सब्जेक्ट दिए हुए हैं कि इनके अंदर आवेदन मांगे हैं, पर ये नॉन एग्जेम्प्टेड के लिए था। हम एग्जेम्प्टेड वालों के लिए देख लेते हैं कि उनमें कौन कौन सा सब्जेक्ट अवेलेबल है। इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पर VRET एग्जेम्प्टेड कैटेगरी, तो इन्होंने बताया है कि यहाँ पर आर्ट्स के अंदर हिंदी, इंग्लिश, जर्नलिज्म, लाइब्रेरी साइंस, इंजीनियरिंग के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्री प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, एंथ्रोपोलॉजी, ट्राइबल डेवलपमेंट, बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर कॉमर्स मैनेजमेंट, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल साइंस के अंदर इन्होंने 2 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, और नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ एंड इन्वायरमेंटल साइंस, फार्मेसी, फिजिकल साइंस के अंदर इन्होंने केमिस्ट्री, प्योर एंड अप्लाइज फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस के अंदर इन्होंने सोशल वर्क, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, एजुकेशन के अंदर इन्होंने एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, और इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन के अंदर इन्होंने बताया कि रूरल टेक्नोलॉजी एंड सोशल डेवलपमेंट, फॉरेंसिक साइंस और लॉ। ये कुछ सिटी हैं दोस्तों जो कि एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के लिए हैं। इन्होंने यहाँ पर नॉर्मल एलिजिबिलिटी वगैरह बताई है कि आपके 55% मास्टर डिग्री के अंदर होनी चाहिए, 5% का रिलैक्सेशन रहेगा SC ST OBC नॉन क्रिमिनल वालों के लिए और EWS वालों के लिए, और यदि किसी पास ग्रेजुएशन डिग्री है 4 ईयर्स की तो 75% मार्क्स के साथ में तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। MPhil डिग्री है 55% के साथ में तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। और ये VRET एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के अंदर कौन कौन लोग हैं तो इन्होंने यहाँ बताया है कि परमानेंट रेगुलर टीचर हैं अपॉइंट हुए टीचिंग डिपार्टमेंट के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर और या कॉलेज के अंदर 2 साल कम से कम होने चाहिए तो वो, और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं स्पॉन्सर्ड वो, और जो स्टूडेंट जिनके पास फेलोशिप या स्कॉलरशिप है UGC NET, CSIR NET, GATE, SEED और कोई नेशनल लेवल के एग्जाम के थ्रू तो वो भी, और या वर्किंग प्रोफेशनल नॉन टीचिंग स्टाफ वगैरह जो है जो फुलफिल करते हो इनकी एलिजिबिलिटी तो वो भी, इस प्रकार से इन्होंने आपको बताया है। और ये इन्होंने आगे कुछ और डिटेल दी हुई है, ये VRET के बारे में दी हुई है। ये एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के बारे में बताया है कि पर्सनल इंटरव्यू 20 मार्क्स का होगा और रिसर्च प्रपोजल प्रेजेंटेशन वगैरह 30 मार्क्स के होंगे। अदर इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है यहाँ पर, ये शॉर्ट लिस्ट के वगैरह के बारे में बताया हुआ है यहाँ पर, जो आप पोस्ट करके देख सकते हैं दोस्तों। बाकी मैं इनकी सभी की लिंक वगैरह दे दूँगा आपको तो आप डायरेक्ट देख पाएंगे इनके बारे में। ये रिजर्वेशन वगैरह सभी दिया हुआ है यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने एडमिशन फ़ीस वगैरह के बारे में बताया है जो कि कोर्स वर्क के दौरान लगेगी आपकी फ़ीस, ये आप स्क्रीन पोस्ट करके देख सकते हैं। और इन्होंने यहाँ पर ये कोर्स वर्क के बाद में जो फ़ीस लगेगी ये उसके बारे में बताया है कि कितनी फ़ीस वगैरह लगेगी आपकी। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं।